नमस्कार आदाब सत श्रीकाल राधे राधे सबको वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्वागत है आप सबका महिद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिन्द्रास स्वागत करती हूं आपका और आज है टेंथ ऑफ अक्टूबर और अगर हम बात करें तो वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है और आज है क्या सैटरडे तो देख लेते हैं जल्दी से हमारे साथ कौन कौन जो है कनेक्ट हो चुका है जुड़ चुका है और हम शुरुआत करेंगे आज के हमारे हैश से जो है आई कैन आई विल तो जल्दी से देख लेते हैं कि सारे के सारे लोग जुड़ चुके हैं कि नहीं हमारे साथ और एक बात बता दो ऑडियो जो है वॉइस जो है वो क्लियर है वीडियो जो है वो विजिबल है एवरीथिंग इज ओके ऑल सेट देन वी कैन गो फॉरवर्ड ओके पलक जुड़ चुके हैं हमारे साथ दीक्षा माधुरी मैम आ चुकी है स्वाति मैम स्मृति मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू शरद सर आई एम गुड थैंक यू सो मच एंड यू प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ओके प्रवीण सर इज हियर पारस सर नमस्ते नमस्ते पारस सर केशव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओके okay, पूजा मैम इज हियर नवनीत सर मैं देख रही थी पहले आ गए थे ओके मधु मैम दीक्षा मैम निधि मैम बहुत बढ़िया चलो तो गुड मॉर्निंग का सिलसिला जो है वो चालू हो चुका है वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और जो है हमारे आज हैश टैग आई कैन आईवेल से हम शुरुआत कर रहे हैं जल्दी से जो है सेशन को शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को जोड़ लो और सेशन को लाइक कर दीजिएगा शुरुआत कर रहे हैं आज के इंस्पिरेशनल कोर्ट से लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो ये है मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ठीक है ना ऑफिशियल महिंद्राज का टेलीग्राम चैनल है आप चांदी महेन्द्राजी जीए 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 जीएस के नाम से भी इसे सर्च कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पर जो है लिंक भी है आप जो है यहां से भी पीडीएफ हो, हो।, तो हो गए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हो गए तो यहाँ पे जो है तुरंत फ्लैश कर दी जाती है आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली पूछ सकते हो अगली बात अगर हम बात करें तो आई होप सबने सीई टी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सी टी चैनल को जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बहुत ही जल्द यहां पर जो है अपने पूरे के पूरे सेशंस लेकर आने वाले हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे सी एग्जामिनेशन के लिए जो आने वाला एग्जामिनेशन है तो वो पूरे सेशन जो है जल्दी यहां पर अपलोड कर दिए जाएंगे अब सबसे पहले बात करेंगे हमारे इंस्पिरेशनल कोर्ट्स के और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इंस्पिरेशनल कोर्ट ठीक है समय जो है वो बहुत बड़ा होता है कहते हैं ना कि समय बलवान होता है अब देखो ये जो है चीजें हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में जरूर जो है रियलाइज की होंगी टाइम इज स्लो वेन यू वेट टाइम इज फास्ट वेन यू आर लेट टाइम इज डेडली वेन यू आर सैड

तेजी से समय चलने लग जाता है ऐसा लगता है कि कहाँ जो है समय भाग रहा है जब आप जो है बहुत बोर होते हो तो आपको लगता है अरे यार टाइम ही नहीं कट रहा है टाइम ही नहीं कट रहा है इसलिए जो है अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करो आप देखो जो लोग भी जो है यूपीएससी क्लियर करते हैं वो लोग हमेशा अपने इंटरव्यू में एक पॉइंट मैंशन करते हैं कि वो लोग एक टाइम टेबल बनाकर जो है अपनी पूरी की पूरी स्टडीज को क्या करते हैं कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली सबको जो है टाइम टेबल जरूर निर्धारित करना चाहिए अगर आप मॉर्निंग में फाइव या सिक्स उठ रहे हो मैं देख रही थी कुछ टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग फोर ओ क्लॉक से गुड मॉर्निंग डाल रहे थे मतलब वो चार बजे बिल्कुल भोर सुबह जो उठ के पढ़ाई करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी क्योंकि प्रॉपर टाइम टेबल बहुत जरूरी है चलो हम बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज की तरफ लेकिन उससे पहले आज है टेंथ ऑफ अक्टूबर तो टेंथ ऑफ अक्टूबर को दो इंपॉर्टेंट डेज मनाए जा रहे हैं पहला नेशनल पोस्ट पोस्ट डे मनाया जा रहा है आज राष्ट्रीय डाक दिवस कल कौन सा था वर्ल्ड पोस्ट डे था विश्व था ठीक है इसके अलावा आज मनाया जा रहा है क्या वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे तो दो डेज जो है वो मनाए जा रहे हैं आज पहला तो है नेशनल पोस्ट डे और दूसरा जो डे मनाया जा रहा है वो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ठीक है क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो फिजिकल हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मेंटली जो है हेल्थी रहोगे तो फिजिकली आप वैसे ही हेल्थी रहोगे अब अगर हम बात करें तो नेशनल पोस्टल वीक मनाया जा रहा है पूरा का पूरा 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक ध्यान रखना 9th से लेकर 15th अक्टूबर तक हमारे देश में राष्ट्रीय डाक जो है वो पूरा का पूरा सप्ताह सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसमें 9th ऑफ अक्टूबर को क्या था वर्ल्ड पोस्ट डे था ठीक है इसमें जो है हमारे देश के अलग अलग पोस्ट ऑफिस में भी मीटिंग्स की गई है जिसमें लोगों को स्किल दी गई है इसके अलावा दस अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं बैंकिंग डे सेलिब्रेट करते हैं पोस्ट ऑफिस में जैसे हम बैंक में खाता खोल सकते हैं वैसे पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोलते हैं ठीक है थीके? तो पोस्ट ऑफिस जो है अपना बैंकिंग डे सेलिब्रेट करता है फिर क्या होता है ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर ठीक है ना फिर ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर को जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे मनाया जाता है मतलब जो पोस्ट ऑफिस में हम इंश्योरेंस पॉलिसीज करते हैं उससे रिलेटेड जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे मनाया जाता है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि वो पोस्ट ऑफिस में भी इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हैं इसके अलावा थर्टींथ ऑफ अक्टूबर को जो है पूरा नेशनल पोस्टल वीक के तहत थर्टींथ अक्टूबर को फिलाटली डे मनाया जाता है बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि फिलाटली क्या होता है स्टैंप्स का कलेक्शन होता है ठीक है ना स्टैम्स का पोस्ट के कलेक्शन को फिलाटली कहा जाता है तो डे मनाया जाता है जिसमें वेरियस जो है कंट्रीज के स्टैम्स इंडिया के अलग अलग जो स्टैम्स होते हैं उसका जो है एक, एक एग्जीबिशन लगाया जाता है इसके अलावा फोर्टीन को पोस्ट ऑफिस अपना बिजनेस डेवलपमेंट डे दे मनाता है और फिफ्टीन को जो है मेल डे मनाता है मेल्स मतलब क्या जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं पोस्टमैन हो गए हैं जो रेगुलरली हमें जो है हेल्प करते रहते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है तो नौ से लेकर पंद्रह अक्टूबर तक पूरा का पूरा जो है नेशनल पोस्टल वीक मनाया जाता है और अलग अलग डे को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश के पोस्ट ऑफिस ठीक है ना ओके अशोक सर पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फिफ्थ सेप्टेंबर टीचर्स डे एंड फिफ्थ अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे बिल्कुल अशोक सर अगर हम बात करें तो फिफ्थ सेप्टेंबर को नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है ठीक है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टीचर्स डे विश्व जो है शिक्षक दिवस पांच अक्टूबर को मनाया जाता है वो सेलिब्रेट करता है कौन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ और पांच सेप्टेंबर वाला हमारे देश में जो है हमारे देश के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है जैसे कि अगर हम बात करें अशोक सर वर्ल्ड डेज में और नेशनल डेज में डिफरेंस होता है वैसे ही वर्ल्ड और इंटरनेशनल डेज में भी डिफरेंस होता है विश्व और अंतरराष्ट्रीय दिवस में भी डिफरेंस होता है तो डेफिनेटली जो है मैं इसे अगली क्लास में आपको लोगों को क्या कर दूंगी एक बार क्लियर भी कर दूंगी कि वर्ल्ड और इंटरनेशनल डेज में क्या डिफरेंस होता है और नेशनल तो हमारे देश के होते हैं ठीक है ना हमारे राष्ट्रीय दिवस जो है वो मनाए जाते हैं तो यूएन अलग से सेलिब्रेट करता है डेज को और हमारी कंट्री अलग से सेलिब्रेट करती है कुछ डेज को चलो बढ़ रहे हैं अगर हम नेक्स्ट न्यूज उसकी तरफ तो आज एक और इंपॉर्टेंट डे है, है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है ठीक है ना तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और जो थीम दी गई है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को वो दी गई है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस ठीक है ज्यादा से ज्यादा निवेश और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पहुंचाना ठीक है तो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर एक्सेस ज्यादा निवेश करेंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे और लोगों के मानसिक मतलब मानसिक संतुलन को क्या कर पाएंगे सुधार पाएंगे तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है टेंथ अक्टूबर को अगर हम बात करें इस कोविड की तो इस कोविड के समय जो है बहुत लोग जो है मानसिक रूप से जो है बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस में रहे हैं चाहे वो घर में रहकर बात हो चाहे जो है बिजनेस ना हो चाहे जॉब ना हो जिस वजह से ये डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें अवेयर करना है लोगों को कि वो अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखें जितना वो अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं ये सो टेंथ अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है बढ़ रहे हैं हमारी सबसे पहली न्यूज की तरफ और पहली न्यूज आ रही है आपकी स्क्रीन पर ये तो अगर हम बात करें फिफ्थ कैटेगरी का जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है एक ही बचा हुआ है और वो बचा है कौन सा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स बस बचा हुआ है बाकी पांचों कैटेगरीज जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं ठीक अगर हम बात करें नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी हैज डिसाइडेड टू अवॉर्ड द नोबेल पीस प्राइज फॉर टू टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम

प्रोग्राम को विश्व खाद्य जो है कार्यक्रम को ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ये ये एक संस्था है ठीक है ये है ठीक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है अगर हम बात करें आपने एक पॉइंट यहाँ पे गौर कर लिया होगा कि ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी के द्वारा अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे भाई स्वीडिश नोबेल कमिटी के द्वारा ठीक है ना अभी हम तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे स्वीडिश नोबेल कमेटी के द्वारा लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं नॉर्वेजी नोबेल कमेटी के द्वारा मैंने जो है बताया भी था कि पांचों कैटेगरीज जो हैं वो दी जाती हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में लेकिन शांति वाला पीस का जो नोबेल पुरस्कार है शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो कहाँ पर दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बाकी पांचों कैटेगरीज के नोबेल पुरस्कार कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्वीडन की कैपिटल में और स्वीडिश सोसाइटी ही घोषणा करती है लेकिन सिर्फ शांति वाला नोबेल पीस पुरस्कार जो होता है वो नॉर्वेजियन सोसाइटी घोषित करती है जो नॉर्वे की कैपिटल ऑसलो में दिया जाता है ध्यान रखना ठीक है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसे दो का नोबेल पीस पुरस्कार दिया जा चुका है किस लिए उसने जो मदद की है कंफ्लिक्टेक्टेड एरिया होते हैं मतलब युद्ध के समय या अगर हम बात करें ऐसे लोगों की मदद करता है जब क्राइसिस आते हैं तब भूख से निपटने में ये मदद करता है है कोविड के समय भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों तक क्या पहुंचाया है खाना पहुंचाया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है एक और हेल्प करता है जब भी कोई भी कोई देश युद्ध और संघर्ष के के हथियार रूप में भूख का उपयोग करने लग जाए मतलब किसी कंट्री में जब क्राइसिस आते हैं तो क्या करती है कुछ जो है आ, असामाजिक तत्व वहां पर क्या करते हैं बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स के दामों को क्या कर देते हैं एकदम से बढ़ा देते हैं या रोक देते हैं जिस वजह से जो है टेंशन फैल जाती है और उस जगह पर होने होने लग जाते हैं? होने लग जाते जाते हैं, हैं, क्राइसिस तो उस समय भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मदद करने आता है तो खाना पहुंचाने का काम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अगर हम बात करें इससे पहले बहुत सारे लोगों को नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है बहुत सारी संस्थाओं को भी दिया जा चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट है दो का 2014 का जो है नोबेल पीस पुरस्कार इंडियन को मिला था कैलाश सत्यार्थी जी किसके साथ मिला था मलाला यूसुफ जाई के साथ तो 2014 का नोबेल पीस पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी को था कौन से आंदोलन के लिए बचपन बचाओ आंदोलन के लिए था बिल्कुल ठीक है ना किसके साथ दिया गया था मलाला यूसुफाई जी के साथ जो है वो दिया गया था ठीक है आपदा आती है जब अलका मैम क्राइसिस आता है आपदा आती है ठीक है किसी भी कंट्री में जब जो है वहां पर खाना नहीं मिल पाता या असामाजिक तत्व जो है वहां पर इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा भुखमरी फैल जाती है तब जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है पूरी तरीके से मदद करने आता है जल्दी से जो है सेशन को शेयर कर दो आज तो सैटरडे है ठीक है आज तो वीकेंड है बहुत सारे लोग जो है आज घर ही में होंगे कॉलेज एक्सेट्रा ये सब बंद होंगे तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दो और लाइक जरूर कर देना अब अगर हम बात करें इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है मुख्यालय कहां पर है रोम इटली में है 1961 में यह बना था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यह काम करता है ठीक है यूएन यूनाइटेड नेशन की एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है एक स्पेशलाइज एजेंसी है इसकी अगर हम बात करें हेड की तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है पूरी तरीके से चलाते हैं दो लोग अर्थरीन कजन जो यूएसए से बिलोंग करती हैं और डेविड बेसले जो कहाँ से बिलोंग करते हैं यूएसए से ही बिलोंग करते हैं तो ये दोनों जो है हेड्स हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अगर किसी ने ट्विटर पर ट्वीट पढ़ा होगा तो डेविड बेस्ले जो है वो बहुत भावुक हो गए थे ठीक है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो हेड है उन्हें जो है नोबेल पीस पुरस्कार से नवाजा गया है ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम लोग जो है नॉमिनेशन पर आए थे अगर हम इस साल के पीस पुरस्कार की बात करें तो तीन सौ अठारह नॉमिनेशन जो है वो आए थे ठीक है नोबेल पुरस्कार जो है एक पूरी की पूरी कमेटी जो है वो घोषणा करती है और कमेटी जो है नॉमिनेशंस भी लेकर आती है मतलब अलग अलग लोगों को नॉमिनेट भी करती है तो 318 लोगों को नॉमिनेट किया गया था जिसमें से 211 तो इंडिविजुअल्स थे मतलब व्यक्ति थे सिंगल पर्सनालिटीज थे और 107 जो थी वो संस्थाएं थी ऑर्गेनाइजेशन थी वैसे तो इन नामों को सीक्रेट रखा जाता है लेकिन कहीं ना कहीं नाम तो लीक हो ही जाते हैं जिनमें से एक स्वीडिश एक्टिविस्ट बहुत लोगों ने नाम सुन के रखा होगा ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शामिल था डब्ल्यू भी शामिल था जो नॉमिनेट किया गया था किसके लिए नोबेल पीस प्राइस के लिए ठीक है थैंक्स टू गॉड की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है ये पुरस्कार नहीं दिया गया है क्योंकि डब्ल्यू एच ओ जो है बहुत क्रिटिसिज्म सह रहा है इस समय जो उसने कोविड के लिए किया है वो बिल्कुल भी जो है पॉजिटिव uh, बिहेवियर नहीं था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का <coughs> इसके अलावा न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकेडा आर्डन भी जो थी वो नॉमिनेटेड थी डोनाल्ड ट्रम्प नॉमिनेटेड थे ठीक है ऐसे बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ जो थी वो नॉमिनेटेड थी इस बार के नोबेल पीस पुरस्कार के लिए लेकिन फाइनली किसे दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है एक बात ध्यान रखना सब लोग जितनी भी फूड से रिलेटेड संस्थाएं है ना जितनी भी फूड से रिलेटेड संस्थाएं है ना ओके okay. उन सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है रोम इटली में जितनी भी फूड से रिलेटेड संस्थाएं उन सबका हेडक्वार्टर रोम इटली में है क्योंकि तीन ही ऐसी संस्थाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर काम करती हैं जो फूड से रिलेटेड काम करती हैं खाना प्रोवाइड करने के लिए काम करती हैं उसमें से एक तो कौन सी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही है उसमें से एक है एफ एओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और उसमें से एक है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ठीक है ना ध्यान रखना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है तो सारे के सारे फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना तो सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है रोम इटली में है ध्यान रखना हमेशा जितनी भी फूड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कृषि से रिलेटेड है खाने से रिलेटेड है उन सबका मुख्यालय कहाँ पर है रोम इटली में है और संयुक्त राष्ट्र के अंदर ऐसी तीन संस्थाएं काम करती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट करती है और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तीनों का को हेडक्वार्टर कहां पर है रोम इटली में है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस और नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी स्क्रीन पर ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावर चंद गहलोत जी इनोग्रेटेड द वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि आज जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ठीक है ना मानसिक स्वास्थ्य दिवस है तो उसी के उपलक्ष्य में जो है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया है वर्चुअली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य कोविड 19 से आगे एक दृष्टि विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है ठीक है तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ ये जो है एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है अगर हम बात करें तो वर्चुअली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम में जो है ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट से बहुत सारे लोग जुड़े रहे हैं जैसा कि हम जानते हैं कि 2018 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अग्रीमेंट भी साइन हुआ है जिसमें दोनों कंट्रीज जो है वो मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करती हैं लोगों को मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलने की बातें जो है वो कही जाती हैं जिसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने भी हैं दोनों कंट्री से मिलकर बनाए भी हैं जिसमें लोगों को जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती है और उनकी हेल्प की जाती है अगर हम बात करें तो थावरचंद गहलोत जी ने हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए इनिशिएटिव्स के बारे में भी यहां पर बात की जैसे की सरकार ने जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर का गठन किया था हाल ही में सीहोर में जो कहां पर लोकेटेड है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ही एक किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर भी क्या किया था लॉन्च किया था तो ध्यान रखना इन दोनों के दोनों इंस्टीट्यूट और हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी इस मीटिंग में पूरी तरीके से बात की गई है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर है सीहोर मध्य प्रदेश में और किरण मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन भी कहां पर चलती है मध्य प्रदेश में तो इस मीटिंग में इन दोनों प्रोग्राम के बारे में भी जो है बात की गई है जल्दी से जो है सेशन को शेयर कर दो गाइज और लाइक कर दीजिएगा चलो बढ़ रहे हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइंड एमओ यू एमिटी यूनिवर्सिटी फॉर आयुर्वेदा रिसर्च अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद अनुसंधान के लिए एमिटी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं तो किस किस के बीच में है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और किसने जो है अग्रीमेंट पर साइन किए हैं एमिटी यूनिवर्सिटी ठीक है एमिटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो एमिटी यूनिवर्सिटी बहुत जगह लोकेटेड है बेसिकली ये न्यू डेली की यूनिवर्सिटी है तो इन दोनों ने मिलकर जो है एक समझौते पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए हैं दोनों जो है मिलकर एक पूरा का पूरा सेंटर बनाएंगे जिसमें ये लोग क्या करेंगे आयुर्वेदिक साइंसेस के बारे में क्या देंगे रिसर्च में मदद करेंगे तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी न्यू डेली में लोकेटेड है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करता है इसने एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ जो है एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें दोनों मिलकर फोकस करेंगे किसमें आयुर्वेदिक साइंसेस के रिसर्च में देखो आयुर्वेद जो है वो हमारे देश के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बाकी कंट्रीज में भी तेजी से फैलता जा रहा है ठीक है ना तो हमारे देश में तो लोग जो है आयुर्वेदिक मेडिसिंस बहुत यूज करने लग गए हैं तो आयुर्वेद को बढ़ावा तो देना ही पड़ेगा आयुष मंत्रालय को बनाया ही इसलिए गया हुआ है चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ रहे हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक वर्चुअली इनॉग्रेटेड द ज्ञान सर्कल वेंचर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडेड टेक्नोलॉजी बिजनेस टेक्नोलॉजीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चित्तूर आंध्र प्रदेश थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से ज्ञान सर्कल उपक्रम का शुभारंभ किया है इसे आंध्र प्रदेश के चित्तूर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ने एम आई आई टी आई वित्तीय सहायता से विकसित किया है अब पूरी की पूरी न्यूज है क्या वो सुन लो एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उसने एक वर्चुअल इनोग्रेशन किया है ट्रिपल आई टी सेंटर ये कहां पर है ट्रिपल आई टी सेंटर ये है आंध्र प्रदेश चित्तूर में ठीक है जिसका नाम है क्या ज्ञान सर्कल वेंचर्स अब ये पूरी की पूरी न्यूज में ऐसा है क्या वो देखना <clears throat> एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनोग्रेशन किया किसका ज्ञान सर्कल वेंचर का ठीक ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा एक फंडेड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर रहेगा ठीक और ये सेंटर जो है कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी, श्री सिटी श्री सिटी कहाँ पर है चित्तौर आंध्र प्रदेश में अब ये जो ज्ञान सर्कल वेंचर है इसमें होगा क्या इसमें जो है लोगों को एक इंक्यूबेशन सेंटर के तहत जोड़ा जाएगा ये जो इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा कहाँ पर ट्रिपल आईटी टी सिटी चित्तौर में यहाँ पर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बात की जाएगी ठीक है इसके अलावा यहाँ पे ऑन्ट्रप्रेन्योर्स को जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा मतलब जो नए उद्यमी हैं उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो अपने उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी न्यूज जो है यह पूरा का पूरा वेंचर किस लिए है जो यंगस्टर्स आते हैं नौजवान आते हैं जो ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको जो है अलग रहेगा, जो बनेगा कहां पर, ट्रिपल सिटी चित्तौर आंध्र प्रदेश में यहाँ परिपल पर आई टी में इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा साइबर सिक्योरिटी में जो है स्किल

ई डेडिकेटेड ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी स्कीम अक्रॉस गुजरात थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना को समर्पित कर दिया है ठीक है अब जो है ये ओपीडी स्कीम है चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने जो है ई संजीवनी ओपीडी स्कीम जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू निकाली है ओपीडी ओपीडी तो सुने ही होंगे सबने ठीक है ना अगर हम बात करें तो जैसे ही कोई भी पेशेंट आता है तो पहले उसे ओपीडी में डाला जाता है और ओपीडी में उसका डायग्नोसिस होता है कि उसे क्या बीमारी है उसके बाद जो है उसे अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड किया जाता है ठीक है ना तो अगर हम बात करें तो एक नई ओपीडी जो है बनाई गई है ई संजीवनी ओपीडी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या कर दिया गया है उद्घाटन कर दिया गया है विजय रूपाणी जी के द्वारा अब ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्या इस पूरी की पूरी न्यूज का इस पूरी की पूरी स्कीम का ये उद्देश्य है कि सारे सारे लोगों तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाना है ऑनलाइन कहां पर गुजरात में ठीक है जो कॉमन डिसीजेज है जो घर ही में ठीक हो सकती है तो सारे लोगों तक जो है ई e ओपीडी के थ्रू ई संजीवनी ओपीडी के थ्रू सारे लोगों तक मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचानी है उनके घरों में जो कॉमन डिसीजे होती है ताकि वो घरों में ही अपनी डिसीजेस से क्या हो सके मुक्त हो सके ठीक तो इससे क्या होगा जो बर्डन होता है हॉस्पिटल्स में वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ये ई संजीवनी ओपीडी स्कीम जो है ना ये केंद्र सरकार की एक योजना है और अब इस योजना का लाभ गुजरात के लोगों को भी मिलेगा घर बैठे तो क्या ध्यान रखना है कि ई संजीवनी ओपीडी योजना की शुरुआत जो है वो देश में सबसे पहली बार ऑनलाइन माध्यम के थ्रू किस स्टेट ने कर दी है तो किस स्टेट ने कर दी है गुजरात में जिसमें लोग घर बैठे मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो ले पाएंगे वो ऐसी डिसीजेस के लिए जो आसानी से ठीक हो पाए ठीक है बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस के लिए नहीं है ताकि जो है बर्डन होता है जो हॉस्पिटल्स पर उसे क्या किया जाता सके कम किया जा सके यस yes, बहुत बढ़िया पीकू माम बहुत बढ़िया ओके यस संजीवनी बूटी ओके वेरी गुड ई संजीवनी बस वहीं से नाम आया संजीवनी बूटी से याद रखना बिल्कुल सही नवनीत सर चलो जल्दी से जो है जितने भी बायो के स्टूडेंट हैं जितने भी बायो के स्टूडेंट है वो ओपीडी का फॉर्म बता दो जल्दी से जितने भी बायो के स्टूडेंट है वो तो बता दो ओपीडी का फुल फॉर्म बहुत सारे लोग ओपीडी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यस मरीन नेशनल पार्क ओवर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ठीक है ओवर द पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ओपीडी का फुल फॉर्म तो जैसे ही आप पहले हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको ओपीडी में जो है भेज दिया जाता है ठीक है ना वहां से जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है तो ओवर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है जैसे आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो एफ करते हो एफ का फुल फॉर्म क्या होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वैसे ही ओपीडी होता है ओवर पेशेंट डिपार्टमेंट होता है चलो अब बढ़ रहे हैं अगली न्यूज की तरफ आपको जो है आरुषि मैम आपको जो है ये पीडीएफ में जो है क्लियरली दिख जाएगा ठीक है ना थोड़ा सा जूम कर देती हूँ नेक्स्ट न्यूज से डेफिनेटली ओके okay. चलो सन यस आउट पेशेंट डिपार्टमेंट वेरी गुड कार्तिक सर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ठीक है ना ओपीडी का फुल फॉर्म वेरी गुड बढ़ रहे हैं अगली न्यूज की तरफ इन हिमाचल प्रदेश कैप्टन संजय चौहान द्वार वॉज इनोग्रेटेड एट द सोलन सिटी हिमाचल प्रदेश में सोलन शहर में कैप्टन संजय चौहान द्वार का उद्घाटन किया गया है अब संजय चौहान जी कौन थे कैप्टन संजय चौहान जी जो थे वो उन, उनको जो है पूरी तरीके से आ, शहीद हो गए थे वो 28 अक्टूबर 1994 में जब एनकाउंटर हुआ था टेररिस्ट के साथ जम्मू एंड कश्मीर में तो वहां पर वो शहीद हो गए थे बस उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्हीं को जो है ऑनर देते हुए एक कैप्टन संजय चौहान द्वार जो है उसका इनोग्रेशन किया गया सोलन सिटी में और संजय चौहान जी को जो है शौर्य पुरस्कार से भी नवाजा गया था पौस्तोमसली पॉस्तोमअली मतलब मरणो उपरांत जो है उन्हें नवाजा गया था तो पुरस्कार भी याद रखने पढ़ेंगे कौन से परमवीर चक्र वीर चक्र कीर्ति चक्र शौर्य चक्र ये सारे जो हैं एक दिन क्लास में इसका सीक्वेंस भी बता दूंगी कि सीक्वेंस क्या क्या होता है ठीक है और किस फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है तो बस ध्यान रखना कैप्टन संजय चौहान द्वार जो है वो इनोग्रेट कहाँ पर किया गया है सोलन सिटी हिमाचल प्रदेश में अब बढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बहुत ही ब्यूटिफुल है ठीक है बहुत लोगों ने देखा भी होगा मैंने भी देखा है द वर्ल्ड फेमस जोग फॉल्स इन कर्नाटका विल गेट अ फेस लिफ्ट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीस वन ट्वेंटी करोड़ कर्नाटका में विश्व प्रसिद्ध जोग जल प्रपात को एक अरब बीस करोड़ रुपए की लागत से जीर्णो उद्धार कराया जाएगा तो एक सौ बीस करोड़ जो है वो दिए गए हैं ठीक है ना एक सौ बीस करोड़ जो है वो दिए गए हैं अगर हम बात करें तो इस वन ट्वेंटी करोड़ में इस जोग फॉल्स फॉल्स जो जो है जो में है में लोकेटेड उसे पूरी तरीके से क्या किया जाएगा उसका जीर्णोद्धार किया जाएगा उसे जो है डेवलप किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है वो क्या कर पाए बिल्कुल अट्रैक्ट हो पाए अगर हम बात करें यस अगर हम बात करें इस जोक फॉल्स की तो जोग फॉल्स को कर्नाटका में जो है जोग फॉल्स वर्ल्ड फेमस जोग फॉल्स है इसके लिए कितना अमाउंट दिया गया है 120 करोड़ दिया गया है ध्यान रखना जिसमें इस जोग फॉल्स का जीर्णो किया जाएगा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट चीफ मिनिस्टर कौन है अगर हम बात करें कर्नाटका के बी एस येद्यूरपा जी हैं ठीक है उन्होंने ये कहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की मीटिंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है जिसमें इस जोग फॉल्स को जो है पूरी तरीके से रीडेवलप करने की बात हो रही है जोग फॉल्स जो है वो श्रावती रिवर ठीक है यहां पर जोग फॉल्स में कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है बहती है श्रावती रिवर है ध्यान रखना तो कर्नाटका में कौन सी रिवर है जोग फॉल्स में जो आपको ये दिख रही है फॉल्स में बहती हुई ये कौन सी रिवर है श्रावती रिवर है अगर हम बात करें तो ये 830 फीट की ऊंचाई से जो है बहती हुई दिखाई देती है और बहुत ही ब्यूटिफुल सिनारी होता है सीन होता है अगर हम बात करें कि इसी पूरे के पूरे एक करोड़ में और क्या क्या किया जाएगा तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कर्नाटका में लोकेटेड है ठीक है जैसे कि नंदी हिल्स देखो इंपॉर्टेंट है नंदी हिल्स कहां पर लोकेटेड है कर्नाटका में ठीक है विश्व सांस्कृतिक धरोहर में है बदामी की गुफाएं बदामी केव्स यहाँ ये भी कहां पर लोकेटेड है कर्नाटका में हम्पी का रथ भी कर्नाटका में है जो पचास के नोट के पीछे बना हुआ है ठीक है तो इन सारी जगहों को भी क्या किया जाएगा डेवलप किया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट क्या हो पाए बिल्कुल अट्रैक्ट हो पाए अब बढ़ रहे हैं यस श्रावती रिवर याद रखना और क्या याद रखना है अमाउंट याद रखना है बस ठीक है ना और नंदी हिल्स भी कर्नाटका में है बदामी के कर्नाटका में है कल मैंने बताया था कर्नाटका में केगा पावर प्लांट भी था ठीक है के ही था उसे भी याद रखना केगा भी था वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाटका से रिलेटेड अब जो है कॉमेडियन एक्टर है कुछ लोगों ने देखा होगा ठीक है वेटरन मराठी एक्टर अविनाश खरशिकर डाइड इन महाराष्ट्र थाने सिटी ही वॉज सिक्सटी एट प्रख्यात मराठी अभिनेता अविनाश खरशिकर का महाराष्ट्र के ठाणे शहर में निधन हो गया है वह 68 वर्ष के थे तो ये कॉमेडी कौमे, सीरियल्स में कॉमेडी मूवीज में जो है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है तो ये एक ऑबिचुरी से रिलेटेड एक पॉइंट रहेगा नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ फोटो में भी देखो आप कितना खुश हैं ये ठीक है ना तो जो है कॉमेडियन रहे हैं अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर से जो है हमारे देश के लिए गर्व की बात है इंडियन ओ एयरफोर्स के लिए गर्व की बात है वायु सेना के लिए गर्व की बात है क्योंकि इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एंटी रेडार मिसाइल रुद्रम वन भारत ने सफलतापूर्वक जो है रुद्रम वन का प्रशिक्षण किया है ठीक है ये जो है एंटी रेडार मिसाइल है और पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है ये इसका जो है सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ है तो इंडियन एयरफोर्स ने रुद्रम वन मिसाइल जो है एक टैक्टिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे पूरी तरीके से लॉन्च किया है सक्सेसफुली किससे सुखोई थर्टी एम के आई फाइटर जेट से तो डीआरडीओ के लिए एक बहुत ही जो है कमेंडेबल जॉब रहा है डीआरडीओ ने हम देख ही रहे हैं कि हाल ही में कितने सारी मिसाइल्स जो है वो लॉन्च करता जा रहा है चाहे हम निर्भया मिसाइल की बात करें ब्रह्मोस की बात करें चाहे हम स्मार्ट की बात करें ठीक है इसके अलावा अगर हम बात कर लें शौर्य मिसाइल की तो कंटिन्यूसली जो है डीआरडीओ अपनी पावर दिखाता जा रहा है ये जो मिसाइल है रुद्रम वन ठीक है नाम क्या दिया गया है रुद्रम वन ये जो मिसाइल है ये ए टू सरफेस है मतलब आकाश से सतह पर मार करेगी ठीक है ए टू सरफेस है सरफेस टू सरफेस नहीं है ए टू सरफेस है और एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है पूरी तरीके से मार देगी ठीक है ना तो एयर डिफेंस सिस्टम को ही मारेगी डीआरडीओ जो है ये पूरी तरीके से डेवलप किया गया है इस रुद्रम वन मिसाइल को इंडिजीनियसली देश के अंदर ही बनाया गया है और टेस्ट फायरिंग नो डाउट कहाँ से की गई है आईटीआर मतलब टेस्ट रेंज बालासोर जो ओडिशा कोस्ट में है बे ऑफ बंगाल में वहां से जो है टेस्ट फायरिंग की गई है अगर हम बात करें इस पूरी की पूरी मिसाइल की तो ये जो मिसाइल है फ्लाइंग जेट जो है इस फ्लाइंग जेट से जो है मिसाइल जाएगी और ये मिसाइल जो है कंटिन्यूसली जो रेडार है मतलब जो जीपीएस है उसे क्या करती रहेगी ट्रैक करती रहेगी और जीपीएस को ट्रैक करते हुए जो एनिमी है उनके डिफेंस सिस्टम को जो है एयर से ही क्या कर देगी मार देगी ठीक है अगर हम बात करें तो ये मिसाइल जो है 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की रेंज से जो है वो पूरी तरीके से फ्लाई की जा सकती है ठीक है अगर हम बात करें इस मिसाइल की तो ये कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का 140 किलो जो है वो वेट है ठीक है भार जो है इसका 140 किलो का है ध्यान क्या क्या रखना है हमें कि रुद्रम वन मिसाइल जो है उसे लॉन्च किया गया कैसी मिसाइल है आकाश से सतह पर मार करने वाली एयर टू सरफेस मिसाइल है ठीक है अगर हम बात करें तो किस फाइटर जेट से जो है इसका सफलता पूर्व प्रशिक्षण किया गया है तो वो कौन सा जेट है सुखोई थर्टी एम फाइटर जेट्स अच्छा ऐसा नहीं है कि ये जो रुद्रा मिसाइल है ये सिर्फ सुखोई से ही लॉन्च की जा सकती है ये कहा गया है कि ये डेसॉल्ट से डेसॉल्ट मिराज हो गया तेजस हो गया ठीक है इससे भी जो है इस मिसाइल को दागा जा सकता है और रेडार सिस्टम मतलब जीपीएस को और रेज जो होती है वेव्स होती है उसे ट्रेस करेगी और उसे ट्रैक करते हुए जो है डिफेंस सिस्टम जो एनिमी का है उसे पूरी तरीके से क्या दे देगी मात दे देगी तो इंडिया के अंदर बनी है सबसे पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है मतलब रेडिएशन को कैप्चर करते हुए जो है एनिमी के ठिकानों को मारेगी ठीक है दुश्मन के ठिकानों को मारेगी अगर हम बात करें तो कैसी मिसाइल है एयर टू सरफेस है ध्यान रखना ठीक है ना हवा से सतह पर मार की जाएगी और इसके पहले कुछ दिनों पहले ही हमने बात कर ली थी कि डीआरडीओ ने एक और मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च की थी और वो कौन सी थी स्मार्ट टॉर्पीडो पढ़ा था हमने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो टॉर्पिडो क्या कर रहा था सब को दाग रहा था मतलब समुद्र के अंदर जाकर जो है वो दुश्मन के ठिकानों को क्या कर रहा था मार रहा था तो स्मार्ट जो है टोर्पीडो वाली मिसाइल भी हमने जो है हाल ही में पड़ी थी तो डीआरडीओ जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो लोग थोड़े हायर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो जैसे यूपीएससी या फिर स्टेट लेवल के पीएससी एग्जामिनेशन की तो वो लोग थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनके लिए पढ़ना जरूरी है इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना उन लोगों के लिए जरूरी है बाकी नॉर्मल एस रेलवे बैंकिंग के एग्जामिनेशन के लिए बस इंपॉर्टेंट है कि रुद्रम एंटी है, है? मतलब करेगी लॉन्च तो किया गया है किया गया है अब बढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी स्क्रीन पर अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन रहा है एमओयू रहा है जेवर एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट ठीक है यूपी गवर्नमेंट साइंस 40 ईयर कंसेशनल अग्रीमेंट विद जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर हवाई अड्डा यूपी सरकार ने जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ 40 साल की रियात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मतलब जो जूरिक एयरपोर्ट है जूरे कहां पर है स्विट्जरलैंड में तो जूरिक का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके साथ यूपी सरकार ने जो है 40 साल के लिए अग्रीमेंट साइन कर लिया है जिसमें जेवर एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करेगा कौन जूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर इसका क्या किया जाएगा डेवलपमेंट किया जाएगा अगर हम बात करें जेवर एयरपोर्ट की तो कहाँ पर है यह डेली के आउटस्कर्स में मतलब डेली के जो है बाहरी क्षेत्रों में बनाया जा रहा है इस जेवर एयरपोर्ट को आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज इसे देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो है जूरिक इंटरनेशनल के साथ जो है चालीस साल का अग्रीमेंट साइन किया है ठीक है जिसमें जो है जूरिक एयरपोर्ट को लाइसेंस दे दिया गया है कि वो बिल्डिंग बनाएगी डिजाइन बनाएगी और ऑपरेट करेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जिसका नाम क्या है जेवर एयरपोर्ट है ठीक है ना तो जूरिक जो एयरपोर्ट है उसे लाइसेंस दिया गया है वो चालीस सालों तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरीके से क्या करेगी चलाएगी अगर हम बात करें किसके बारे में अगर हम बात करें इस जूरिक एयरपोर्ट एजी के बारे में तो जूरिक एयरपोर्ट जो है इसके हेड का नाम क्या है स्टीफन विल्डबर्ग है और ज्यूरिक एयरपोर्ट कहाँ का है स्विट्जरलैंड का है तो पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है वो सुन लो पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है हमें यूपी ने जो है किसके साथ यूपी गवर्नमेंट ने किसके साथ समझौता किया है किसके साथ अग्रीमेंट किया है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जो है वो समझौता किया है ठीक है कितने सालों का किया गया है तो 40 सालों के लिए जो है लाइसेंस दिया जा रहा है 40 साल तक जो है कौन ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो जेवर एयरपोर्ट को पूरी तरीके से चलाएगा और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहां पर लोकेटेड है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है नोएडा में ठीक है ना तो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो 40 सालों तक ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसे पूरी तरीके से क्या करेगा रन करेगा चलो यस yes, बिल्कुल बिल्कुल मनमीत सर बहुत बढ़िया बिल्कुल सही कह रहे हो लार्जेस्ट यस चालीस सालों का अग्रीमेंट हुआ है योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है चंदा मैम लेट हो गए हो वेरी गुड मॉर्निंग तो योगी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है बिल्कुल यूपी वालों बहुत आगे बढ़ा रहा है बढ़ा रहे हैं योगी जी देश को ठीक है ना तो यूपी वालों के लिए तो गर्व की बात है बिल्कुल चलो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं और नेक्स्ट न्यूज आ रही है कल ही आरबीआई की क्या आई है मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है ठीक है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक नीति का रिव्यू किया है और उस रिव्यू में ये कह दिया गया है कि अब आर सिस्टम जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम 24 फोर इंटू सेवन इंटू थ्री डेज पूरी तरीके से अवेलेबल रहेगा कब से दिसंबर से ठीक है ना तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जिनसे हम तुरंत पैसों को क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं फंड ट्रांसफर करते हैं बहुत सारे लोगों ने आरटीजीएस के द्वारा पैसा ट्रांसफर भी किया होगा ठीक है ना अगर हम बात करें तो ये जो है ट्वेंटी फोर सेवन इंटू थ्री सिक्सटी फाइव डेज पूरी तरीके से चलेगा अभी तक क्या होता था कि आरटीजीएस सिस्टम जो है वो शाम में छह बजे तक ही चलता था अब इसे ट्वेंटी फोर सेवन इंटू थ्री सिक्सटी फाइव कर दिया गया चौबीसों घंटे चलेगा सातों दिन चलेगा तीन दिन काम करेगा ये आरटीजीएस सिस्टम और इसी के साथ इंडिया जो है बहुत ही कम कंट्रीज में ऐसी कंट्री बन गई है जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी ले आई है जिसमें वो पूरी तरीके से पूरे चौबीसों घंटे सातों दिन ये सिस्टम काम करता रहे गा लेकिन कब से दिसंबर से तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिससे फंड को तुरंत ट्रांसफर किया जाता है अब अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास जी तो आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं उन्होंने आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम को जो है राउंड द क्लॉक करने की बात कह दी है दिसंबर 2020 से ठीक है ताकि जो है पूरे समय लोगों को यह फैसिलिटी मिल पाए अगर हम बात करें आरटीजीएस सिस्टम की तो एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आरटीजीएस सिस्टम के द्वारा कम से कम कितना पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है दो लाख मतलब मिनिमम लिमिट कितनी है दो लाख दो लाख से कम आप फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते आरटीजीएस के द्वारा दो लाख से ज्यादा आप डेफिनेटली ट्रांसफर कर सकते हो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट पैसे ट्रांसफर करने की मिनिमम लिमिट कितनी है दो लाख और इसकी मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है ठीक है ना मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती तो पहले की बात करें तो शाम में छह बजे तक ही चलता था ये आरटीजीएस का सिस्टम अब इसे पूरी तरीके से राउंड द क्लॉक बना दिया गया है नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ रही हैं बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल प्रसाद सर बीजेपी के स्टार प्रचारक है बिल्कुल सही शालिनी मैम आपको जो है पीडीएफ में एकदम क्लियर दिख जाएगा कोई इश्यू नहीं है ठीक है ना बस आप पॉइंट्स जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान रखना बाकी पीडीएफ में एक बार चेक कर लेना बिल्कुल येस बिल्कुल जो है सेशन को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो बढ़ रहे हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट को ब्याज दरों को पूरी तरीके से जो है अपरिवर्तित रखते हुए ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2021 में जो ग्रोथ रेट है देश, देश की मतलब जी ग्रोथ रेट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव रहेगी कितनी माइनस ठीक है ना लेकिन ये भी कहा गया है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हुए शक्तिकांता दास जी के द्वारा कि आने वाले समय में हम जल्दी रिकवर कर लेंगे अगर हम बात करें पहले तो कितनी थी माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट तक पहुंच गई थी अब जो है बढ़ बढ़कर कितनी पहुंची है माइनस नाइन पॉइंट फाइव परसेंट कहा गया है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कोई भी ब्याज दरों में कुछ बदलाव नहीं किए हैं सारे के सारे पॉइंट जो रखे हैं वो अनचेंज रखे हैं और वित्तीय वर्ष दो हजार के लिए जो है वास्तविक जी ग्रोथ ये कही गई है कि पॉजिटिव में तो नहीं है लेकिन नेगेटिव में रहेगी माइनस रहेगी ठीक है तो मेंबर्स हैं जैसा कि हम जानते हैं इस पूरे के पूरे पैनल में और इन छह मेंबर्स ने जो है मिलकर पूरा एक डिसीजन लिया है कि रेट्स को अनचेंज रखा जाएगा तो छह मेंबर्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे ठीक है तीन किसकी तरफ से हैं आरबीआई की तरफ से हैं, हैं शक्तिकांता दास जी मृदुल सागर जी माइकल पात्रा जी और तीन किसकी तरफ से है भारत सरकार की तरफ से आशिमा गोयल जयंत वर्मा और शशांक भिड़े तो इन छो ने मिलकर जो है मॉनिटरी पॉलिसी जो मीटिंग हुई है कल उसमें सारे रेट्स को अनचेंज रखा है तो कोई भी रेट चेंज नहीं हुआ है चलो बढ़ रहे हैं हम अपने अगली बिल्कुल बिल्कुल आशु सर बिल्कुल करवा देंगे नो no इश्यूज ठीक है और एक बात ना वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ग्रोथ रेट जो रहेगी वो माइनस नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट रहेगी मैंने वो न्यूज में कवर नहीं किया क्योंकि वो एक नेगेटिव न्यूज है ठीक है वर्ल्ड बैंक जो है नेगेटिव न्यूज देता है जिससे जो है आ, अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने वो न्यूज को कवर नहीं किया ठीक है आरबीआई जो था वो इम्पोर्टेंट था उसने लेकिन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया आरबीआई ने कि जल्दी जो है हम रिकवर हो जाएंगे ठीक अब बढ़ रहे हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु ने वर्ल्ड इकोनॉमिक तमिलनाडु ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ इंडिया का और साउथ एशिया का सबसे पहला एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो तैयार करने की बात कही है ठीक है भारत ने और तमिलनाडु ने भारत में तमिलनाडु ने और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है इंडिया का सबसे पहला और साउथ एशिया का भी सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो तैयार करने की बात कही है मतलब तमिलनाडु में जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब खोला जाएगा उस मैन्युफैक्चरिंग हब में होगा क्या ठीक है तमिलनाडु ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ये तो जो है पूरा समझौता कर लिया इस पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग हब में होगा क्या वो सुन लो इस पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग हब में होगा क्या इसमें जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रमोशन किया जाएगा ठीक है कैसे कैसे निवेश को बढ़ाया जा सके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करके जो है कैसे कैसे देश को डेवलप किया जा सके ठीक है तो निवेश को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इसके अलावा जो है तमिलनाडु सरकार का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना भी चलती है जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल आइटम्स को अपने ही राज्य में बना की बात करती है तो उससे रिलेटेड जो है तमिलनाडु में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा क्यों मिलकर बना रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर बना रहा है ये इंडिया का और साउथ एशिया का सबसे पहला first manufacturing hub रहेगा ठीक है ना जिसमें जो है पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर बात की जाएगी तो इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी क्योंकि यह इंडिया का और साउथ एशिया का सबसे पहला है तमिलनाडु की बात कर ले तमिलनाडु की कैपिटल क्या है चेन्नई है गवर्नर का नाम तो पता ही है सबको बनवारी लाल पुरोहित जी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है कोलाय्न जेनेवा में जो कहां पर लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में ठीक है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है कहां पर है कोलैग्न जेनेवा स्विट्जरलैंड में तो कोलैग्न एक जगह है कहां पर स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है ओके okay. नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हमारे एमसीक्यू सेशन पर जल्दी से रेडी हो जाओ टाइम कम है हमारे एमसीक्यू सेशन की हमें शुरुआत करनी है ठीक है आज जो है हम दस ही एमसीक्यूज करेंगे बाकी जो दस एमसीक्यूज है वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगी ठीक है क्योंकि आपका एडिटोरियल का सेशन भी रहता है सेवन थर्टी तो बहुत लोगों को वहां पे भी जाना रहता है तो जल्दी से जो है जुड़ जाइए सारे लोगों को जोड़ लीजिए रेडी स्टडी गोर्ड स्टार्ट करें हम पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर Who was awarded by the Nobel Prize in Literature in 2020? 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है जल्दी से बता दो Who अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर in Literature 2020? Literature लिटरेचर में किसे दिया गया है अभी तो दिया गया है किसे दिया गया है लुइस ग्लोक रॉजर पेंड्रोज रेनहार्ड गेंजिल एंड्रिया गेस की चार्ल्स एमराइज ऑप्शन बताओ जल्दी से वेरी गुड एवरी वन बहुत बढ़िया कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट लुइस ग्लुक अगर हम बात करें रॉजर पेंड्रोस को किसके लिए है फिजिक्स के लिए रेनहार्ड की बात करें किसके लिए है फिजिक्स के लिए एंड्रिया गेस को भी किसके लिए था फिजिक्स के लिए और राइस साहब को किसके लिए था मेडिसिन के लिए तो किसे दिया गया है लिटरेचर में लुइस ग्लक को दिया गया है बहुत बढ़िया चलो वेरी गुड ऑल ऑफ यू याद है सबको नई नई सर आराम से जो है ऑप्शन पढ़िएगा अनीस सर ठीक है ना अभिषेक सर आराम से ऑप्शन पढ़ के जो है ध्यान दीजिएगा चलो सेकेंड क्वेश्चन इंडिया जीडीपी एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्ल्ड बैंक घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत जो है वो घटेगा मतलब वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रिडिक्शन किया है कि इंडिया की जीडीपी कितने प्रतिशत कॉन्ट्रैक्ट होगी कितने प्रतिशत घटेगी ठीक है तो मैंने बताई दिया था कितना परसेंट कहा है 9.6 परसेंट ठीक है वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि इंडिया की जीडीपी माइनस नाइन पॉइंट सिक्स परसेंट रहेगी आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कितना कहा है माइनस नाइन पॉइंट फाइव परसेंट रहेगी इस वित्तीय वर्ष में लेकिन आरबीआई ने यह कह दिया कि हम जल्द ही क्या कर लेंगे बिल्कुल रिकवर कर लेंगे यस थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर वो ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी लॉन्च दी फर्स्ट एवर ब्रांड लोगो फॉर द इंडियन कॉटन ऑन विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्मृति ईरानी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व कपास दिवस के किस संस्करण पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड लोगो जो था वो लॉन्च किया था तो कस्तूरी कॉटन याद है नाम ठीक है किसी का यहाँ पे नाम कस्तूरी भी था तो उन्होंने कहा था चैट बॉक्स में कि अरे वाह मेरे नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है बिल्कुल सही तो कौन सा एडिशन था वर्ल्ड कॉटन डे का वो कौन सा एडिशन था सेकेंड कब मनाया जा रहा था वर्ल्ड कॉटन डे सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को कब मनाया जा रहा था सेवेंथ ऑफ अक्टूबर को तो कस्तूरी कॉटन के नाम से जो है लोगो लॉन्च किया गया था फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ एमओयू इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बता दो जल्दी से साइबर सुरक्षा के लिए इंडिया और किस देश के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जल्दी से बता दो ठीक है इंडिया और किस कंट्री बीच में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे बिल्कुल हमने अभी तो किया था किस पर किसके साथ हुआ था जापान के साथ किसके साथ हुआ था जापान के साथ हुआ था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर यस yes. बहुत बढ़िया पलक बहुत बढ़िया स्मृति मैम निधि मैम पूर्वा बहुत बढ़िया ओके हैरी पॉटर सर आ गए हैं वेरी गुड सचिन सर शुभम सर शालिनी मैम पलक मैम कार्तिक सर बहुत बढ़िया करण सर वेरी गुड जितेंद्र सर चलो बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट हैज अ डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर पब्लिक वेलफेयर इन रूरल एरिया हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का इष्टम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की है ठीक है डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम जिससे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो है ग्रामीण इलाकों के लोगों के जीवन यापन को बढ़ाया जा सकता है तो बिल्कुल वो कौन सा राज्य बना है नो no डाउट कौन सा राज्य है गुजरात गुजरात ने ध्यान रखना डिजिटल सेवा सेतु जो है इस कार्यक्रम की घोषणा की है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सिक्स क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर मैनेजेस द आर आई डी एफ फंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का प्रबंधन कौन करता है मतलब आर आई डी एफ फंड जो है किसके अंतर्गत आता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ठीक जिसमें ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे का जो है पूरी तरीके से विकास किया जाता है तो नाम से ही समझ में आ जाएगा किसके अंतर्गत काम करता होगा नाबार्ड के अंतर्गत नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट फुल फॉर्म क्या था नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और ये आर फंड बना था ध्यान रखना नाइनटीन नाइनटी में ठीक है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा हमने क्लासेस में भी किया है तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर एक फंड काम करता है आर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड काम करता है ठीक है जो बना कब था नाइनटीन नाइनटी में बना था इस वित्तीय वर्ष में बनाया गया था यस बहुत बढ़िया आज था आदित्य बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर वो ये है When one bank borrow money from another bank for one day only, then it is called। जब एक बैंक दूसरे बैंक से केवल एक दिन के लिए पैसा उधार लेता है तो उसे क्या कहा जाता है जल्दी से बता दो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे बैंक हो चाहे एस एस सी क्वेश्चन आता है जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसा लेता है उधार लेता है तब उसे कौन से नाम से जाना जाता है वेरी गुड किस नाम से जाना जाता है उसे कॉल मनी ठीक है ना ध्यान रखना उसे किस नाम से जाना जाता है कॉल मनी तो जब एक बैंक दूसरे बैंक से एक दिन के लिए पैसों को उधार लेता है तब उसे कॉल मनी के नाम से जाना जाता है बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर आरबीआई वॉज नेशनलाइज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था जल्दी से बता दो आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो है वो कब किया गया था आरबीआई बना कब था 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए अधिनियम आया था बना कब था आरबीआई अप्रैल फुल डे वाले दिन बना था मतलब कब बना था फर्स्ट अप्रैल 1935 में और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया था सरकार ने कब फर्स्ट जनवरी 1949 में तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है 1949 में तो एक्ट उन्नीस का बना कब था उन्नीस में और राष्ट्रीयकरण हुआ था फर्स्ट जनवरी नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर टेंथ क्वेश्चन है स्क्रीन पर वट इज द डायमेंशन ऑफ टेन रुपीज बैंक नोट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण के बैंक नोट का आया था में, साथ में जो है चीजें रिवाइज करते जाया करो पेंडिंग मत रखा करो दस रुपए के नोट का साइज पूछा है देखो सिक्सटी सिक्स तो होगा नहीं या तो सिक्सटी थ्री इंटू वन ट्वेंटी थ्री होगा या तो सिक्सटी थ्री इंटू वन ट्वेंटी नाइन होगा तो दस का नोट सबसे छोटा था साइज क्या है सिक्सटी थ्री इंटू वन टी थ्री एम एम वन ट्वेंटी नाइन किसका था बीस रुपए के नोट का तो डायमेंशन कितना था सिक्सटी थ्री इंटू वन ट्वेंटी थ्री एम एम और दस रुपए के नोट के पीछे क्या बना था जल्दी से बता दो दस रुपए के नोट के पीछे क्या बना हुआ था सन टेम्पल सन टेम्पल कहां पर सूर्य मंदिर कहाँ पर कोनार्क ओडिशा का ठीक है ना और कलर क्या था दस रुपए के नोट का चॉकलेट ब्राउन कर लिया था हमने ठीक है कलर क्या था चॉकलेट ब्राउन था वेरी गुड बहुत बढ़िया सागरिका बहुत बढ़िया शालिनी न, लीला मैम अंगद सर ओम प्रकाश सर बहुत बढ़िया आदित्य सर वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू करण निधि राकेश अभिलाषा बहुत बढ़िया रिंकी मैम बहुत बढ़िया कार्तिक सर स्मृति मैम मनमीत यस अर्चना मैम बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ इलेवन क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर आखिरी समय का ऋणदाता लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विच अमंग दी ऑर्गेनाइजेशन आखिरी समय का ऋणदाता जो है वो किसे कहा जाता है ठीक है जिसका एक महत्वपूर्ण कार्य है आखिरी समय का ऋणदाता इंग्लिश में कहा जाता है एलओ एल आर लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट हिंदी में कहा जाता है आखिरी समय का ऋणदाता किसे कहा जाता है जब देश के बैंक क्राइसिस में होते हैं आपदा की सिचुएशन में होते हैं उस समय समय आखिरी का ऋणदाता उनकी मदद करने कौन आता है आरबीआई तो ध्यान रखना आरबीआई को कहा जाता है कि वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट है आखिरी समय का ऋणदाता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका आरबीआई का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है किसका आरबीआई का ध्यान रखना ठीक है फुल फॉर्म भी ध्यान ऑफ हिंदी में समय का कहा जाता है बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुलदीप सर नहीं है जनार्दन सर भी आज मुझे नहीं दिख रहे हैं ओके वेरी गुड वेरी गुड केशव सर बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन भी आज बहुत सारे लोगों का ट्वेल्थ क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर बिशर अल खानिज इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री बिशर अल खसाब ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं ठीक है ना बिशर अल खसाब ने जो है वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है नियुक्त किए गए हैं प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं हाल ही में तो वो कहा के किए गए हैं जॉर्डन के कहाँ के किए गए हैं जॉर्डन के किए गए हैं ठीक है ना अगर हम बात करें इनकी तो इन्हें जो है वहां का जो हेड है जिसे कह सकते हैं रूरल है उनके द्वारा क्या किया गया है नामांकित किया गया है तो कहाँ के बनाए गए हैं जॉर्डन के ध्यान रखना इन्हें जो है हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जॉर्डन के जॉर्डन के किंग कौन है अब्दुल्ला टू बिन अल हुसैन है उन्होंने ही नामांकित किया है जॉर्डन की कैपिटल क्या है अम्मान है और जॉर्डन की करेंसी क्या है दिनार है ठीक है ना और हाल ही में जो है किर्गिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर बदले हैं ठीक है और उनका नाम क्या है सदैर जापरूफ ठीक है मैंने जान, पूछ के पे मेंशन कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है किर्गिस्तान की कैपिटल बिशकेक है करेंसी क्या है सोम है तो जॉर्डन की कैपिटल अम्बान है और करेंसी क्या है दिनार है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं थर्टीन क्वेश्चन कोविड नाइनटीन के लिए पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान का नाम क्या है जिसे विशेष रूप से आगामी आने वाले त्योहारी जो मौसम है और सर्दियों के मौसम के दौरान जो है उपयुक्त व्यवहार किया जाए ऐसा जो है विनती की है लोगों से वट इज द नेम ऑफ अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च बाय पीएम मोदी जी कोविड नाइनटीन अप्रोप्रिएट बिहेवियर स्पेशली ड्यूरिंग द अपकमिंग फेस्टिव सीजन एंड विंटर सीजन तो अब हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में जो है पूरे के पूरे फेस्टिवल्स आ रहे हैं दिवाली आ रही है नवरात्रि आ रही है तो इस समय जो है मोदी जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें लोगों से जो है जागरूकता लाने की बात की गई है ताकि जो है ज्यादा लोग घरों से ना निकले और अपने सुरक्षित रखें जन आंदोलन कैंपेन ठीक है तो आप लोग भी जो है बहुत ज्यादा शॉपिंग मत करना बाजार में मत घूमना अपना ध्यान रखना सुरक्षित रहते हुए जो है सारी चीजें सेलिब्रेट करना बिल्कुल चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं फोर्टीन क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Who अमंग the फॉलिंग लॉन्च a डेबिट कार्ड facility फॉर the कस्टमर्स who अवेल्स लोन against सिक्योरिटी फ्रॉम the बैंक निम्नलिखित में से किसने बैंक से लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड की सुविधा की शुरुआत कर दी है ठीक है मतलब अगर बैंक से कोई लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी ले रहा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है करेंट अकाउंट पर जितना पैसा नहीं उससे ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई ठीक है इस पर जो है एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा मतलब ओवर में जो आपको अमाउंट मिला है सॉरी उसके लिए आपको क्या मिलेगा डेबिट कार्ड मिलेगा और ये फैसिलिटी शुरू की है किसके द्वारा आईसीआईसी बैंक और वीजा कार्ड ने मिलकर किसने आईसीआईसी बैंक ने और वीजा कार्ड ने मिलकर जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप बैंक से ले रहे हो उस पर भी आपको एक डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा वो जो डेबिट कार्ड है उस फैसिलिटी को आप जो है पूरी तरह से उपयोग कर पाओगे तो पहली बार किसी बैंक ने सर्विस की शुरुआत की है वो है आईसीआईसी बैंक ने किसके साथ मिलकर वीजा कार्ड के साथ मिलकर अब देखो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक जो है देश का पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने उस पहली बार ऐसी सुविधा की शुरुआत की है ठीक है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो आप बैंक से लेते हो करंट अकाउंट पर जो आप फैसिलिटी लेते हो उस पर भी डेबिट कार्ड इशू करेगा ये जो डेबिट कार्ड रहेगा इसमें डेली ट्रांजैक्शन की लिमिट रहेगी लेकिन आईसीआईसी ने कहा है कितने लाख की तीन लाख की ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लिमिट रहेगी ठीक अगर हम बात करें आईसीआईसी बैंक की तो हेडक्वार्टर कहां पर है मुंबई में है टैगलाइन क्या है हम है ना ख्याल आपका और एमडी और सीईओ का नाम क्या है संदीप बख्शी जी हैं एमडी और सीईओ का नाम क्या है संदीप बख्शी जी हैं तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी मतलब जो लोन लेते हैं कुछ चीज सिक्योरिटी के तौर पर रखकर अगर आप शेयर जो है वो रख रहे हो उसके बदले भी जो है आपको ये डेबिट कार्ड दिया जा सकता है इसके अलावा ओवर फैसिलिटी पर भी जो है ये डेबिट कार्ड मिलेगा आईसीआईसी बैंक ने ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी वाला जो है पहली बार ये योजना की शुरुआत की है और ये देश का पहला बैंक बन गया है इसके अलावा आईसीआईसी बैंक ने पहली बार एक सर्विस की शुरुआत भी की थी कौन सी बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग तो आई से आईसीआईसीआई आई और आई से इंटरनेट बैंकिंग याद रखना तो आईसीआईसी आई बैंक ने पहली बार इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत भी की थी ठीक है देश में चलो बहुत बढ़िया सब लोग जो आंसर दे रहे हैं मनीष अंगद नवनीत अंजलि शुभम हर्षिता ओके यस पिंकू कुमार जन्मजय सर भी आ चुके हैं यस ओके चलो आगे बढ़ रहे हैं हमारे फिफ्टीन क्वेश्चन की तरफ जल्दापारा नेशनल पार्क स्थित है कंप्लीट ही कर लेते हैं ठीक है जल्दापारा नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान कहां पर सिचुएटेड है तो बिल्कुल जल्दापारा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में असम में कौन सा था मानस था औरंग था राजस्थान में पता ही है रानथम्बोर है बिहार में क्या है वाल्मीकि है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ हो गया इसके अलावा पेंच हो गया काना हो गया जलदापारा कहां पर है वेस्ट बंगाल में एक और क्या था वेस्ट बंगाल में बक्सा भी है सुंदरबंश भी है वेस्ट बंगाल में ठीक है तो जल्दा पारा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है वेस्ट बंगाल में सिक्सटीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सतीश धवन स्पेस सेंटर इज अ रॉकेट लॉन्च सेंटर ऑपरेटेड बाय इसरो इट इज बेस्ड इन विद स्टेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है यह किस राज्य में स्थित है जल्दी से बताओ न्यूज में सुनते तो रहते हो सतीश धवन स्पेस सेंटर रॉकेट लॉन्च सेंटर है ये किस जो है स्टेट में लिक्वे सिचुएटेड है किस राज्य में सिचुएटेड है बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहाँ पर सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में ठीक है कहाँ पर सिचुएटेड है आंध्र प्रदेश में यह सिचुएटेड है सतीश धवन स्पेस सेंटर वेरी गुड चलो कंफ्यूज मत होना ठीक है बेंगलुरु कर्नाटका में कंफ्यूज मत होना कहां पर लोकेटेड है yes, लोकेटेड है सेवनटीन क्वेश्चन मक्का मस्जिद इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्ट इन इंडिया इट इज बिल्ट इन विम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार आया है मक्का मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ये किस राज्य में बनाई गई है ठीक है ना राज्य पूछा है स्टेट वर्ल्ड में तो आपको पता राज्य में बनाया गया है यस yes. किस राज्य में बनाई गई है राज्य में बनाई गई है बिल्कुल कहां पर तेलंगाना हैदराबाद में बहुत बड़ी मस्जिद है अगर किसी ने देखी होगी तो ठीक है तो मक्का मस्जिद जो है वो कहां पर है बिल्कुल तेलंगाना में है, हैदराबाद में है क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं सभी ने नाम सुना होगा एफन फॉर्मूला वन रेसर कार ड्राइवर लुइस हैमिल्टन हेल्स फ्रॉम विच कंट्री फॉर्मूला वन रेसिंग कार चालक लुइस हैमिल्टन किस देश से हैं ठीक है पूछा गया है कि किस देश से हैं ओके चंदा ओके वेरी गुड ठीक है बिल्कुल बिल्कुल स्लो बोल देते हैं फॉर्मूला वन रेसर कार ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जो है किस देश से है मर्सिडीज जो है उनकी टीम है ये तो सभी को पता है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं यूके से बिलोंग करते हैं ठीक है ना यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं नाइनटीन क्वेश्चन वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर सिचुएटेड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है हाल ही में जो है वर्ल्ड वाइड पूरा का पूरा वीक भी बनाया गया है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए दो अक्टूबर से लेकर कब तक आठ अक्टूबर तक जिसमें जो है देश के फ्लोरा फोना और जानवरों को बचाने की बात कही गई है तो वाइल्ड लाइफ वीक भी सेलिब्रेट किया गया है पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है हेडक्वार्टर पूछा गया है कहां पर स्थित है जल्दी से बता दो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय कहां पर स्थित है ठीक है हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है ग्लैंड में और ग्लैंड जगह है कहां पर स्विट्जरलैंड में मुख्यालय कहां पर स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है मुख्यालय इसका सिचुएटेड है मुख्यालय इसका स्थित है चलो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर द अरीना इज अ मल्टीपर्पज स्टेडियम लोकेटेड इन विथ सिटी ऑफ इंडिया अरीना भारत के किस शहर में स्थित एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है स्टेडियम है अरीना को हिंदी में अखाड़ा भी कहा जाता है तो अरीना जो है एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है किस सिटी में देश के ठीक है ना सिटी पूछ रहा है तो अरीना एक मल्टीपर्पज स्टेडियम लोकेटेड है कहां पर कहां पर लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है ध्यान रखना कहां पर लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है तो अरीना एक मल्टीपर्पज स्टेडियम लोकेटेड है कहां पर अहमदाबाद में ओके okay, बिल्कुल पंकज सर बिल्कुल जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देंगे कोई इशू नहीं है ठीक है ओके ओके okay, okay, पंकज सर बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखा जाएगा इस पर ठीक है चलो अलका मैम बिल्कुल आप तो हैं ही आप तो जो है बहुत ही एक्टिव रहते हो आप सुबह से जुड़ जाते हो बिल्कुल यस ओके बिल्कुल पंकज सर बिल्कुल चलो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पिंकू सर स्किप बिल्कुल बहुत बढ़िया सोमनाथ सर बहुत बढ़िया कालिम सर यस निधि मैम बहुत बढ़िया अर्चना मैम 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 बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सपना वेरी गुड चलो अलका बहुत अब जो है आ रहे हैं किस पर आज का हमारा जो है स्टैटिक पोर्शन और वो जो है कंट्रीज का ग्रुप है चौथा पार्ट हम कर रहे हैं पहला हम कौन सा कर चुके हैं सार्क हमने कौन सा कर लिया है आशियान ठीक है इसके अलावा हमने कौन सा कर लिया था एपेक ठीक है एशिया पैसिफिक हो गया था इसके अलावा हम कौन सी कंट्रीज कर चुके थे जी सेवन कल ही किया था ठीक है ना जूस और जी से याद तो होगा जूस और गर्लफ्रेंड से याद तो होगा जी सेवन कंट्रीज अब आज हमें बात करनी है किसके बारे में जी ट्वेंटी कंट्रीज ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज के बारे में हमें क्या करनी है आज बात करनी है और ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कंट्रीज में इंडिया शामिल है बिल्कुल एक छोटी सी ट्रिक है ध्यान रखना बहुत सारे लोगों ने ट्रिक पढ़ी भी होगी ट्रिक ये है गुरुजी जी सीताब एस एस सी एफ सी आई में काम करती है ठीक है ये जो है सेंटेंस को पूरा करने के लिए जोड़ा गया था गुरुजी जी सीताब एस एस सी एफ सी आई में काम करती है जी से क्या है जर्मनी यू से क्या है यूएसए यू यू रशिया यूके जापान इंडिया इंडिया भी शामिल है सऊदी अरेबिया इंडोनेशिया टर्की ऑस्ट्रेलिया एस से क्या है अब से क्या है अर्जेंटीना ब्राजील एस से क्या है साउथ कोरिया साउथ अफ्रीका कैनेडा एफ से फ्रांस चाइना इटली और मी से क्या है मे से मेक्सिको और यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन संघ एक खुद में ही एक बहुत बड़ी जो है यूनियन है ठीक है तो गुरुजी सीता अब एस एस में काम करती है ये एक शॉर्ट ट्रिक है जी ट्वेंटी कंट्रीज को याद करने के लिए लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी ट्वेंटी कंट्रीज के जो है देशों के नाम पूछे जाते हैं हाँ लेकिन जो है क्वेश्चन बनते हैं अगली क्लास में ये जो ट्रिक है इसे ध्यान रखना अगली क्लास में मैं एक क्वेश्चन जो है लेकर आऊंगी इस बार का यूपीएससी का एग्जामिनेशन अगर किसी ने दिया होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया था जी ट्वेंटी से रिलेटेड ठीक है तो वो क्वेश्चन में डेफिनेटली लेकर आऊंगी अब सुनो ये जी ट्वेंटी जो समूह है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है देखो जी एट शामिल है इसमें ठीक है इस जी ट्वेंटी समूह में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है जी एट शामिल है इसमें ठीक है जी एट में कौन सा भी था रशिया मतलब जी सेवन वाली सारी कंट्रीज शामिल है इसलिए ये डायग्राम बना दिया है साथ में रशिया भी शामिल है इसके अलावा कुछ और कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे शामिल हैं जिसमें से इंडिया भी शामिल है ठीक है ना तो ये जो है इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा हम जो है जी सेवन कंट्रीज को ऑलरेडी कर चुके थे जूस और किससे कर चुके थे गर्लफ्रेंड से ठीक चलो <laughs> आज के सेशन को जो है यही पे एंड करते हैं थोड़ा लंबा खिंच गया है सेशन अब अगर हम बात करें तो कल है संडे अगर कल हमारी मुलाकात होती है तो बिल्कुल हम जो है एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेशन लाएंगे पूरे वीक का जो है एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे कम से कम जो है पंद्रह दिन का एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे सौ एमसीक्यूज तो होना होना कम ही हो पाता है जैसा मैंने देखा है लेकिन 70, 75 तक MCQs जो है वो हम कवर कर पाते हैं तो बिल्कुल जो है कल बिल्कुल रिविजन कर लीजिएगा सबके जो है 75 में से 75 सही होने चाहिए ठीक है ना एक भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चन और करेंट के क्वेश्चन हम साथ साथ करते जा रहे हैं तो सब लोग जो है बिल्कुल कल जुड़े जाएंगे जिनका आज एग्जामिनेशन है या आने वाले समय में है ऑल द बेस्ट सबको और बिल्कुल जो है नेक्स्ट क्लास से इस बात पे ध्यान रखा जाएगा हम और डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देंगे किसका ऑप्शंस का कुछ लोगों को ये दिक्कत है हम जो है डिटेल जो है पूरा जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे ऑप्शन का और क्वेश्चंस को ये करेंगे कि थोड़ा कम कर देंगे क्वेश्चंस को ताकि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर पाए आप लोग जैसा कहेंगे वैसे काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है सब लोग अपना ध्यान रखिएगा घर पर रहिएगा सुरक्षित रहिएगा थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ठीक बाय बाय गाइस टेक केयर आप सबका दिन शुभ हो